हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है हमारा ब्रेड और सूजी से बने हुए एकदम टेस्टी नाश्ते का। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ये 3 पीस ब्रेड लिए हैं, ये आधी कटोरी सूजी ली है और मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसके अंदर मैं पहले ये 1 कप पानी डालूँगी। इस पानी में मैं ये थोड़ा सा कटा धनिया है मेरे पास, वो मैं डालूंगी। धनिया आप ज़रूर डालिएगा, धनिया डालने से इस नाश्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर अब मैं ये ज़रा सा ये 1 पिंच हींग की डालूंगी। ये आधी छोटी चम्मच नमक डालूंगी और जो ये मैंने ब्रेड ली है, इस ब्रेड को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। जब मेरा ब्रेड को अच्छे से इसके अंदर हम प्रेस कर करके इसको क्रैश कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी ब्रेड अच्छे से जो मैंने पानी में डाल खोलते पानी में डाली थी वो अच्छे से खोल गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ये सूजी ली है आधी कटोरी, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पका के रेडी करेंगे। गैस कुक में मैंने तेजी रखी है, इसको खूब अच्छे से क्रैश करके दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छे से भून कर सुखा कर रेडी करेंगे। सूजी और ब्रेड मेरी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, जब तक मैं इसको मिक्स करूँगी जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाती। दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने अभी इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। ये बिना ऑयल में बनने वाला, बहुत ही कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है। ये देखिए दोस्तों, मेरी सूजी पककर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं इसकी रेसिपी नाश्ते की बनाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो ब्रेड और सूजी का बैटर बना के रेडी किया था वो इस तरीके से ठंडा हो गया है। अब मैं इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मैश करूंगी और ये मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है। इस पैन में मैंने अब इसको इस तरीके से राउंड कर कर के इसकी छोटी छोटी टिक्की की शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप में इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब मैं जो मैंने गैस पर तवा चढ़ाया है उसके अंदर मैं बहुत हल्का सा देसी घी लगाऊंगी। आप इसको रिफाइंड ऑयल या कड़वा तेल में भी बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस बहुत हल्का सा ऑयल लगाया। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो ब्रेड और सूजी का बैटर बना के रेडी किया तो उसकी इस तरीके से मैंने बॉल्स बनाकर सिकने के लिए रख दिए। ये देखिए, अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से सेक कर रेडी करूंगी। मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप इस तरीके की टिक्की बनाकर डीप फ्राई में भी इसको आप बना सकते हैं। दोस्तों, ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए दोस्तों, मेरे ये स्नैक्स जो मैंने ब्रेड और सूजी के बनाए वो बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में डिमोट करने वाली, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी हुए। दोस्तों, आप भी इस तरीके से स्नैक्स बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी बनाई हुई सूजी और ब्रेड से बनाए हुए नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं इसको प्लेट में निकाल कर सर्व करने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको प्लेट में डिमोल्ड कर लिया और मैं इसको ये टमाटो सॉस और मस्टर्ड
सॉस के साथ सर्व करने जा रही हूँ। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।